₹97 और ₹97 में आपकी स्किन से होने वाला है सब कुछ दूर, एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन या डल स्किन, सो ऑल गोना बी वैनिश आफ्टर यूज दिस प्रोडक्ट. Welcome back to my channel. So, आज मैं आपके लिए लेके आई एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस. सो पर्सनली मैं इस प्रोडक्ट को एक महीने से यूज कर रही हूँ और फाइनली जो रिजल्ट हुए वो बहुत ही अच्छे निकले हैं. सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट को जरूर शेयर करूँ. और ये मैंने खरीदा है purple.com से जस्ट ₹97. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड. जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है ये एल्प्स फिटनेस का एथरिशियस ऑयल. क्यों मैंने ये लेमन फ्लेवर ही चूज किया है, इसमें 19-20 फ्लेवर्स आपका अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन जो लेमनेट फ्लेवर है इसका गाइस वो सबसे बेस्ट फ्लेवर मुझे अभी तक का लगा. बिकॉज मैं इसे एक महीने से यूज कर रही हूँ और मैंने अपनी स्किन पे बहुत सारे चेंजेस देखे हैं बिकॉज ऑफ ये मानसून टाइम भी है प्लस समर्स भी है. सो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑयली स्किन वालों के लिए यू नो सर्वाइव करना बिकॉज बहुत सारे एक्ने यू नो अटैक कर लेते हैं फेस के ऊपर, या फिर स्वेटिंग होने की वजह से बहुत सारी पिगमेंटेशन फेस के ऊपर होने लग जाती है, या आप मेकअप करते हो तो भी पिगमेंटेशन होना तो बिल्कुल लाजवाब ही है. सो दैट्स व्हाई उन सभी पर्पस के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है गाइस. सो इसकी अगर मैं आउटर पैकेजिंग की बात करूँ, ये स्मॉल 10 ml की बॉटल है, इसके अंदर आपको जो क्वांटिटी है वो फुल मिलेगी और इसके साथ आपको कोई ड्रॉपर अवेलेबल नहीं है. तो आपको इस तरीके से ये खोल करके यू नो इसके अंदर ही एक ऑलरेडी एक ड्रॉपर है तो आपको ये इस तरीके से ये इजिली निकल जाएगा. और अगर मैं बात करूँ इसकी क्वांटिटी की, क्वांटिटी बिल्कुल फुल बॉटल है, ये प्लास्टिक बॉटल नहीं है गाइस, ये एक कांच की छोटी सी बॉटल है. तो इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज गलती से भी एक गिर गई तो टूट सकती है. और इसके अलावा अगर मैं बात करके इसकी इसेंस की, तो ये एक लेमनेट इसेंस है लेकिन एक रॉ लेमनेट इसेंस ये देता है. इसकी इसेंस की वजह से ही मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही प्यारा लगा था. जब मैंने फर्स्टली इसे अप्लाई किया था अपने पाम पर तो मैंने इसके ड्रॉप्स को यू नो स्मेल किया तो मुझे प्रोडक्ट इतना प्यारा लगा. इसकी जो इसेंस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इतनी ही ब्यूटीफुली ये फेस पर भी वर्क करता है. एक ऑयल है बट ऑयल की तरह ये बिल्कुल भी यू नो स्टिकी नहीं है फेस के ऊपर. जिस तरीके से एक फेस सीरम होता है ये उतना स्टिकी भी नहीं है. बहुत ही वाटरी बेस्ड ऑयल है जो कि स्किन को एकदम से ग्रो बना देता है, रिजुविनेट कर देता है और साथ में इस फेस को ये एक तरीके से यू नो सबका लग कर देता है बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन धीरे धीरे करके जो है दूर हो जाती है इसको लगाने के बाद. सो मैंने सीरम भी छोड़ दिया है, क्रीम भी छोड़ दी और आजकल मैं यही यूज कर रही हूँ. सो बात करते हैं कि ये क्या क्लेम कर रहा है. ये क्लेम करता है दैट रिस्ट्रिक्ट ऑयल फॉर्मेशन. सो ये बिल्कुल सही क्लेम कर रहा है कि जितनी भी आपके फेस पर ऑयल सीक्रेशन होती है ये उसको कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है गाइस. और सेकंड नंबर का क्लेम ये यूज कर रहा है कि यूजफुल फॉर स्किन ब्राइटनिंग. इट्स एक्यूरेट यू नो 100% राइट कि ये स्किन ब्राइटन करने को भी हेल्प करता है. तो लास्ट ये क्लेम कर रहा है कि इट कॉम्बैक्स द स्किन एजिंग, सो विच इज द एब्सोल्युटली राइट. आई डोंट नो अबाउट द स्किन एजिंग बट या इट इम्प्रूव्स रियली यू नो मेक माई स्किन रियली रियली फाइन, फॉर्म, स्मूथ, ब्राइटन अप, ग्लोई. और क्या चाहिए इस सीजन में, मानसून प्लस समर्स है तो जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये एक बून है आई थिंक. तो बात करते हैं कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हो. आप इसको यूज कर सकते हो अपनी स्किन के ऊपर एज वेल एज ऑन हेयर टू. सो दैट्स वाई ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है. सो आपको स्किन के ऊपर इसे आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, जिनकी बहुत ज्यादा एक्सेस ऑयली स्किन है उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है वो इसको किसी भी ऑयल अनदर ऑयल के साथ यू नो 1-2 drops मिक्स करके यूज कर सकते हो. और आप इसको हेयर्स पर यूज कर सकते हो, अपने हेयर पैक में भी इसके 1-2 drops डाल सकते हो और उसे यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स अ यू नो मल्टीपर्पज ऑयल. सो इट्स रियली मेक यू नो ब्राइटन अप द स्किन और हेयर टेक्सचर को भी ये काफी ज्यादा स्मूथ करता है. अगर आप इसको किसी एसेंशियल पैक में या हेयर पैक में एड करते हो तो ये आपको प्लस पॉइंट ही देगा. इसको किसी हेयर पैक में भी यूज कर रहे हो तो ये इसकी गुडनेस उसमें भी आएगी. सो इट कैन बी यूज ऑन हेयर्स एंड ऑन द स्किन टू. सो बात करते हैं आप कौन से स्किन टेक्सचर के लोग इसे यूज कर सकते हैं. जिनकी ऑयली स्किन है वो तो इन्हें जरूर यूज करें बिकॉज इट्स अ रियली रियली यू नो द मास्टर ब्लास्टर गेम फॉर द स्किन. एंड जिन भी लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी इसे यूज कर सकते हैं. जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो इसको डायरेक्ट अप्लाई करना अवॉइड कर दें और इसे आप यूज कर सकते हो ड्राई स्किन वाले सिर्फ किसी एसेंशियल ऑयल में आप इसको ऐड करके यूज कर सकते हो ताकि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं बनाए. सो दैट्स व्हाई लेकिन तीनों ही टेक्सचर के स्किन वाले लोग जो इनको यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो. आई रियली रियली यू नो गोइंग टू बी अ फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट और मैंने 3-4 bottles और मंगा ली है आफ्टर दिस यूज करने के बाद बिकॉज पर्सनली मुझे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा.
सो बात करते हैं कि इसे अप्लाई किस तरीके से करना है. सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद जो है इसकी एक दो ड्रॉप्स अपने पाव में लेकर के सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पर लगा लीजिए. और इस चीज का ध्यान रखिए कि आप आईज के आसपास इसे मत लगाइएगा, बिकॉज इससे समटाइम्स क्या होता है इरिटेशन होने लगती है आईज के आसपास. सो इसे आईज के आसपास बिल्कुल मत लगाइएगा, सिर्फ आपको अपनी स्किन के ऊपर लाइक फोरहेड पर हल्के से मसाज करनी है. आफ्टर 2 मिनट्स स्किन और ये प्रोडक्ट आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है इस प्रोडक्ट को एकदम से कंज्यूम कर लेगी और उसके बाद इसके बेनिफिट आप उठा सकते हो. मैं यूजुअली इसको रात को सोते ही यूज करती हूँ गाइस, या फिर मॉर्निंग में भी आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर मेकअप करने से पहले भी आप इसे यूज कर सकते हो. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू कमेंट बिलो. इस प्रोडक्ट पे आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं या खरीदेंगे या फिर खरीद चुके हैं और इसको अप्लाई कर चुके हैं अपने स्किन के ऊपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी स्किन पर इसका क्या इफेक्ट रहा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा. जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को. So till then guys, we will meet in the next amazing video. Till then, take care, bye.